पिछले 20 दिनों से अंबाला में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ज्यादातर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कामकाजी लोग भी ठंड से बचाव के लिए चाय की चुस्कियां लेकर ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम ढलते ही कोहरे का असर साफ दिखाई देता है और सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से वाहन की गति पर भी विराम लग जाता है। नमस्कार जी, मैं पंकज अंबाला हरियाणा से। अंबाला का टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंड की वजह से हम आग जलाकर बैठे हुए हैं। पिछले 15 दिन से कोई धूप नहीं है, जिस वजह से यहाँ ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंड की वजह से यहाँ चारों तरफ कोहरा है, कोहरे की वजह से ठंड हो रही है, जिस वजह से कोई काम नहीं हो रहे है। अब एक ही सहारा है, बस आग जला के बैठे हुए हैं। वहीं कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद रोजाना सुबह की सैर पर निकलने वाले राजीव मारवाहा का कहना है कि वह अभी सैर करके आए हैं। सड़क पार करते वक्त अंबाला में 10 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और बच बच कर सड़क पार करनी पड़ रही है। राजीव मारवाहा, पिछले 15 दिन से बहुत हरियाणा में सबसे ज्यादा अंबाला में ठंड है, कड़ाके की सर्दी है और तापमान सबसे कम है अंबाला में, इसलिए हम चाय की चुस्की ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है अंबाला में, तापमान बहुत कम है, जो विजिबिलिटी है बिल्कुल जीरो है, तो 10 कदम पे भी नज़र नहीं आ रहा कुछ, इतनी धुंध है। कपकपा देने वाली कड़ाके की ठंड के बावजूद कामकाजी लोगों को अपने काम पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। निकलसन रोड स्थित बैंक पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले अजय का कहना है कि अंबाला में पिछले कई वर्षों से ज्यादा ठंड पड़ रही है और घना कोहरा पड़ने के कारण ड्यूटी पर आने का मन तो नहीं करता, लेकिन पेट की खातिर ड्यूटी पर आना पड़ता है। उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों से इस प्रकार की ठंड अंबाला में कभी देखने को नहीं मिली है। अजय जी सर, और यहाँ ठंड बहुत है अंबाला में, मतलब सुबह से कोहरा पड़ जाता है, शाम को भी जल्दी कोहरा पड़ जाता है, तो हम ठंड से बचने के लिए जला के बैठते हैं। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।